थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो के मिलन नामक शहर में हुआ था। वे अपने माता पिता के साथ बच्चों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही एडिसन बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे और चीजों को समझने और उनकी गहराई में जाने का शौक रखते थे। उनकी औपचारिक शिक्षा केवल 3 महीने तक ही चली क्योंकि उनके शिक्षक ने उन्हें कमजोर दिमाग वाला बताया। इसके बाद उनकी माँ नैन्सी एडिसन ने खुद उन्हें घर पर पढ़ाया। एडिसन ने बाद में इस बात को स्वीकार किया कि उनकी माँ का विश्वास ही उनकी सफलता का आधार था। एडिसन को पहली नौकरी 12 साल की उम्र में एक ट्रेन में अखबार बेचने के रूप में मिली। इसी दौरान वे विज्ञान और रसायन विज्ञान में दिलचस्पी लेने लगे और ट्रेन के डिब्बे में अपना छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। एडिसन को मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से जाना जाता है। उनके 1000 से अधिक पेटेंट थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आविष्कार बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन और मोशन पिक्चर कैमरा शामिल हैं। उन्होंने 1879 में दुनिया को बिजली के बल्ब का तोहफा दिया, जिसने रात को भी रोशनी से भर दिया। उनकी काम करने की आदतें बहुत ही खास थीं। एडिसन अक्सर 18 से 20 घंटे तक बिना थके काम करते थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां लगातार नए आविष्कार होते रहे। एडिसन ने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी मैरी स्टिलवेल थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। मैरी के निधन के बाद उन्होंने मिना मिलर से शादी की और उनसे भी 3 बच्चे हुए। एडिसन अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार और लगाव रखते थे। वे अपने छोटे बेटे को डॉट और डैश के नाम से पुकारते थे, जो उनके टेलीग्राफ के दिनों की याद दिलाता था। एडिसन सुनने में कठिनाई का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे इसे अपनी एकाग्रता का वरदान मानते थे। उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता ने उन्हें दुनिया का महानतम आविष्कारक बना दिया। 18 अक्टूबर 1931 को इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असफलताओं के बावजूद लगातार कोशिशें और समर्पण ही सफलता की कुंजी हैं। आइए सुनते हैं इस महान आविष्कारक के कुछ प्रेरणादायक अनमोल वचन। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। प्रतिभा 1%, जबकि प्रेरणा और मेहनत 99% है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक और बार प्रयास करना। आपका मूल्य इस बात में है कि आप क्या बन सकते हैं, न कि आप क्या हैं। सबसे अच्छा सोच अकेलेपन में किया गया है, सबसे बुरा सोच उथल पुथल में किया गया है। मूर्ख बुद्धिमान लोगों को मूर्ख कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को मूर्ख नहीं कहता। कुछ भी सार्थक हासिल करने के लिए 3 महान आवश्यकताएं हैं, पहला मेहनत, दूसरा निरंतरता और तीसरा सामान्य बुद्धि। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, बल्कि अपने मरीजों को शरीर की देखभाल, आहार और रोग के कारण और रोकथाम में रुचि लेने को कहेगा। दुर्भाग्यवश बाहर अवसर तो बहुत हैं, लेकिन क्षमता बहुत कम। हमें याद रखना चाहिए कि सौभाग्य तब मिलता है जब अवसर और तैयारी आपस में मिलते हैं। आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और ढेर सारे कबाड़ की जरूरत होती है। आप जो हैं वह आपके कार्यों से प्रकट होगा। व्यस्त होना हमेशा असली काम का मतलब नहीं होता। हर काम का उद्देश्य उत्पादकता या उपलब्धि है, और इसके लिए विचार, प्रणाली, योजना, बुद्धिमत्ता
और ईमानदार उद्देश्य की आवश्यकता होती है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने कभी भी हत्या करने के लिए हथियार का आविष्कार नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि कुछ आपकी योजना के अनुसार काम नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं देखता हूं कि दुनिया को क्या चाहिए, फिर मैं इसे आविष्कार करने की कोशिश करता हूं। अगर हम वो सब कर सकें जो हम करने में सक्षम हैं, तो हम खुद को चौंका देंगे। मुझे अपने काम में आनंद आता है, इसलिए सफलता मेरे लिए एक आदत बन गई है। आविष्कार में बड़ी बाधा गलत सोच है। मैं उस व्यक्ति का अधिक सम्मान करता हूं जिसके पास एक विचार है और वह उसे पूरा करता है, बजाय उस व्यक्ति के जिसके पास हजार विचार हैं लेकिन वह कुछ नहीं करता। कुछ भी असंभव नहीं है, हम बस अभी इसे करना नहीं जानते। मैंने कभी भी एक दिन भी काम नहीं किया, यह सब आनंद था। मेरे पास ऐसे दोस्तों का समूह है जिनका साथ मैं किसी राजा की कृपा से भी नहीं बदलूंगा। शब्द तभी मायने रखते हैं जब वे कार्यों में परिवर्तित हो जाएं। जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए समय बनाइए। हर कोई भाग्यशाली होता है, लेकिन केवल मेहनती ही उस भाग्य का लाभ उठा पाते हैं। मेरा मन कभी खाली नहीं रहता, यह हमेशा विचारों से भरा रहता है। विफलता केवल एक संकेत है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। महान विचार छोटे कामों में छिपे होते हैं। प्रगति केवल उन्हें मिलती है जो उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब आपने सभी संभावनाओं को आजमा लिया हो, तो याद रखें, आपने अभी तक सब कुछ नहीं आजमाया। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को कठिन परिश्रम से मुक्त करने और खुशी और समृद्धि का अधिकतम स्तर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करूं। दुनिया किसी भी इंसान की ऋणी नहीं है, लेकिन हर इंसान का दुनिया के प्रति कुछ कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।